चुनाव का ऐलान होने के बाद भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी पर खूब निशाना साध रहे हैं। अब भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कांग्रेस पार्टी को झूठ, भ्रष्टाचार और सनातन के विरोध की गारंटी बताया है। भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस का मतलब है झूठ, भ्रष्टाचार, महिला विरोधी, तुष्टिकरण, सनातन विरोधी और राम मंदिर विरोधी पार्टी। कांग्रेस इन सभी का गारंटी है। वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को निशाने पर लेते हुए भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कहा कि अब तो कांग्रेस कुर्ता फाड़ने की भी गारंटी है। कांग्रेस मतलब परिवारवाद की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब महिला अत्याचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब युवाओं को धोखा देने की गारंटी, कांग्रेस मतलब किसानों को ठगने की गारंटी, कांग्रेस मतलब सनातन का विरोध करने की गारंटी, कांग्रेस मतलब राम मंदिर का विरोध करने की गारंटी, और अब तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कपड़े फाड़ने की गारंटी हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी का जो अंतर्कलह चल रही है, उससे तो अब यह भी होने लगा कि कांग्रेस मतलब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की लड़ाई की गारंटी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।